नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमैरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज युद्ध के मैदान से। शुरुआत एक बड़ी वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। रूस के एनर्जी सेक्टर पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। 5 शहरों में कामिकाजी ड्रोन से तबाही मचाई गई है। बेलगोरोद में ऑयल रिफाइनरी में आग लगी है। कुसर्क में गैस स्टेशन को तबाह कर दिया गया है। रोस्तोव में पावर स्टेशन पर भी ड्रोन अटैक किया गया है। तो चौतरफा हमला एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पावर स्टेशन पर किया गया है। 8 जुलाई को यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 4 शहरों पर भीषण हमला हुआ। रूसी डिफेंस के बम वर्षकों ने ताबड़तोड़ अंदाज में क्रूज मिसाइलें दागी। यकीन मानिए, पुतिन के बारूदी ताप से पूरा यूक्रेन दहल उठा। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही कीव के ओकमातित चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हुई, जो मिसाइलों की चपेट में आने से ध्वस्त हो गया। लेकिन अब इसी हमले को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। वो ये कि कीव के अस्पताल पर हमला रूसी मिसाइल से नहीं, बल्कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की मिसाइल से हुआ। आखिर क्या है इस दावे की हकीकत, देखिए रक्त रंजित 8 जुलाई पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चौबीस घंटे पहले आपने यूक्रेन की राजधानी कीव में बारूदी भूचाल देखा। विध्वंसक मिसाइल हमले के बाद भीषण तबाही देखी। चीख पुकार करते बेकसूर लोगों को देखा। रोते बिलखते मासूमों को देखा। जमींदोज हो चुके अस्पताल को देखा। तहस नहस हो चुकी इमारतों को देखा। कलेजे को सन्न कर देने वाला नरसंहार देखा। पूरी दुनिया इसको जानती है कि 8 जुलाई को रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल हमला किया। बीते 2.5 साल में पहली बार इतने विनाशक अंदाज में कीव के कोने कोने को दहलाया। कीव के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, लेकिन पूरी दुनिया तब दहल उठी जब आसमान से बरस रही मिसाइलों ने कीव के ओकमादित चिल्ड्रन हॉस्पिटल को अपनी चपेट में लिया। वैसे तो यूक्रेन पर हुए इस हमले को रूस का इंतकाम माना जा रहा है, मगर कीव के ओकमादित चिल्ड्रन हॉस्पिटल पर अटैक और उसके बाद हुए नरसंहार को लेकर एक एक्सप्लोसिव खुलासा हुआ है। बाकायदा वीडियो के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि कीव के ओकमादित चिल्ड्रन हॉस्पिटल को रूसी मिसाइलों ने नहीं बल्कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम ने उड़ाया। ज़ेलेंस्की ब्रिगेड की एक चूक से दिन दहाड़े कीव का ओकमादित चिल्ड्रन हॉस्पिटल तबाह हो गया। ओकमादित चिल्ड्रन हॉस्पिटल पर हुए मिसाइल अटैक और नरसंहार पर रूसी डिफेंस की तरफ से दावा किया गया कि वो रूसी क्रूज मिसाइल ने अस्पताल के पास वाली इमारत पर हमला किया। रूस का आरोप है कि अस्पताल के बराबर वाली इमारत में बंकर बने थे, जिसमें नेटो के इंस्ट्रक्टर और यूक्रेनी सेना के बड़े अधिकारी मौजूद थे। रूस ने अस्पताल पर हुए मिसाइल हमले से जुड़ा एक वीडियो जारी किया। ३३ सेकंड के इस वीडियो को गौर से देखिए, जिसे रूसी डिफेंस की तरफ से जारी किया गया है। इस वीडियो में कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरस रही हैं। रूसी डिफेंस का दावा है कि कीव पर हमले के लिए रूसी सेना ने KH-101 क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया
और इसी मिसाइल के जरिए कीव के ओखमादत चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पास मौजूद इमारत को निशाना बनाया गया। वीडियो में रूसी डिफेंस ने बाकायदा मिसाइल को हाईलाइट करते हुए दिखाया। वो ये कि रूस की KH-101 मिसाइल, जो कि किसी लड़ाकू विमान या फिर बॉम्बर के जरिए दागी जाती है, उसमें विंग्स होते हैं। रूसी डिफेंस के दावे की पड़ताल करने के लिए हमने KH-101 मिसाइल की तस्वीर निकाली। यकीनन रूस की KH-101 क्रूज मिसाइल में विंग्स थे और वो हमले वाली मिसाइल से मिलती जुलती भी दिखाई दे रही थी। वीडियो में कीव के ओखमादित चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पास बैक टू बैक 4 मिसाइलें दागी गई। 4 मिसाइल KH-101 मिसाइलें थी, यानी उनमें विंग्स दिखाई दे रहे थे। जबकि आखिरी मिसाइल की डिजाइन कुछ अलग थी, उसमें विंग्स नजर नहीं आ रहे थे। लिहाजा रूस ने दावा किया कि ये अमेरिका के नैसम्स डिफेंस सिस्टम की मिसाइल थी जो रूसी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रही थी। रूस के इस दावे की पड़ताल के लिए हमने नैसम्स डिफेंस सिस्टम के मिसाइल की तस्वीर निकाली और जब वीडियो में दिख रही मिसाइल से इसकी तुलना की तो दोनों मिसाइलें एक जैसी नजर आ रही थी। और करने वाली बात यह है कि 33 सेकंड के वीडियो को जारी कर रूस ने जो दावा किया, कहीं ना कहीं वो पुख्ता नजर आ रहा है। अगर अहम सवाल यह है कि क्या वाकई रूस की मिसाइल ने अस्पताल के पास वाली इमारत पर हमला किया, क्या रूसी मिसाइल के हमले वाला वीडियो कीव का ही है, और क्या वाकई अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की मिसाइल ने अस्पताल को टारगेट किया। दरअसल अमेरिका पर आरोप सिर्फ रूसी डिफेंस ने ही नहीं बल्कि अमेरिका में मौजूद रूस के राजदूत ने भी लगाया है। कीव के ओखमादित चिल्ड्रन हॉस्पिटल पर हुए मिसाइल अटैक का जिम्मेदार सीधे तौर पर अमेरिका है। अमेरिकी मिसाइल ने अस्पताल में तबाही मचाई और नरसंहार को अंजाम दिया। दरअसल कीव के अस्पताल में जिस तरह तबाही मची उसे देख हर कोई दहल उठा, क्योंकि अस्पताल पर मिसाइल अटैक के बाद भयावह तस्वीरें दुनिया के सामने आई और ठीक इसी तरह पूरे कीव में बारूदी कोहरा मचा। वजह साफ है, कीव पर अब तक का सबसे भीषण प्रहार। करीब 28 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, मगर पहली बार इतने विध्वंसक अंदाज में कीव पर हमला हुआ। भीषण नरसंहार हुआ क्योंकि 8 जुलाई को रूसी डिफेंस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 13 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया। रूसी डिफेंस के इस मिसाइल प्रहार से राजधानी कीव के 10 से ज्यादा इलाके बारूदी भूचाल से थर्रा उठे। जानते हैं राजधानी कीव पर रूस के मिसाइल जलजले के करीब 37 लोगों की मौत हो गई, जबकि यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कीव अटैक में करीब 170 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इतना ही नहीं, रूस की मिसाइलें कीव के रिहायशी इलाकों में गिरी, जिसके चलते कीव में 100 से ज्यादा इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। दावा किया जा रहा है कि रूसी डिफेंस ने ऑपरेशन को कीव में अंजाम देने के लिए युद्ध नीति में बदलाव किया और रात के बजाय 8 जुलाई की सुबह कीव पर हमले किए। इतना ही नहीं, रूस के 4 TU-22 बॉम्बर कीव के एयर स्पेस में कम ऊंचाई पर उड़े। कुछ देर तक रूसी बम वर्षकों ने चकमा देने के लिए मिसाइल नहीं दागी और फिर कम ऊंचाई से ही TU-22 बॉम्बर ने क्रूज मिसाइलें फायर की। लो एल्टीट्यूड होने के चलते यूक्रेनी डिफेंस मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस की 30 से ज्यादा मिसाइलों को मार गिराया, जबकि कीव समेत पूरे यूक्रेन पर रूस ने 38 मिसाइलें दागी। हैरान करने वाली बात यह है कि जब यूक्रेन ने 80% मिसाइलें ध्वस्त कर दी तो फिर कीव समेत तमाम इलाकों में इतनी तबाही कैसे मची, कैसे दर्जनों लोग मारे गए, कैसे सैकड़ों लोग घायल हुए। अब कौन सच बोल रहा है, किसके दावे में सच्चाई है, किसकी मिसाइल ने अस्पताल में नरसंहार किया।
फिलहाल इस पर सस्पेंस बरकरार है, मगर जिस तरह से कीव विनाश की तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं, उसे देख हर कोई खौफजदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।